आनी तो ये वीडियो संडे को चाहिए थी, लेकिन जिस वजह से ये वीडियो पोस्टपोन हुई है उस वीडियो का रीज़न आएगा आखिर में। तो एंड तक देखो और बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मुझे सब पता चल जाता है। अरे नहीं नहीं, आपसे वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मैंने किया है। मैं इन्फिनिटी वॉर देख रहा था और ये थॉर क्या पावरफुल था, और अभी हम लोग देखने गए थे थॉर लव एंड थंडर। लेट्स गो, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं देना चाहता। नाश्ता और है बस जल्दी की, तो बात लगी फिर इंडिया में। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ सॉरी सॉरी, मैं म्यूजिक डालना भूल गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So hey guys, what's up? Welcome back to Time Series and Send in a Combo and welcome back to another vlog. और आज हम जाने वाले हैं इनऑर्बिट मॉल देखने थॉर लव एंड थंडर। वो भी ऐसे नॉर्मली नहीं, हम देखने जा रहे हैं IMAX 4DX 3D में। भाई साहब इतना लंबा नाम है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कितनी मजा आने वाली है। Oh my God! लेकिन guys, उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम हम लोग गए थे फिनिक्स मॉल, उस वीडियो पे ज़्यादा अच्छा व्यूज तो रहा है, लेकिन ये देखो उसकी फ़ोटो हमने यहाँ पे लगाई है, तो बहुत अच्छा है ये। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि थॉर के लिए मैं पिछले एक साल से वेट कर रहा था और फाइनली हम देखने जा रहे हैं। अभी कुछ 11:20 हुए और 12:30 का शो है, तो हम लोग चुप करके भाग रहे हैं, लेट्स गो। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, रेडी? ये अवॉइड करो, ये देखो। सो गाइस, ये देखो, ये है मेरा अपना स्टॉर्म ब्रेकर, ये मैंने बुरहानपुर से लिया था। ये देखो बुरहानपुर व्लॉग, अगर आपने देखा नहीं हो अभी तक, उसको 180 व्यूज आ गए हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग थे, मैं व्लॉग कर सकता हूँ प्लीज? नहीं। तो ये स्टॉर्म ब्रेकर से हम गॉड द गॉड बचर को हरा देंगे। यार ये पोपट करना जरूरी है, चलो तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग कब से घूम रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को रिक्शा मिल ही नहीं रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग को बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि हम लोग मूवी सिर्फ 20 मिनट में शुरू होने वाली थी, लिटरली सिर्फ 20 मिनट में, और हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी। हाय सुपर गर्ल। हाय। लेट्स गो। मैं चुंग गम खा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली ऑटो मिल गई और अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी और हमें इन ऑर्बिट फॉर्म तक पहुँचना है। और मम्मी ऐसे अचानक से कैमियो नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मम्मी तो फिर से वी थ्री आर बैक इन लॉग। और प्लीज इस वीडियो को तो व्यूज दे देना, मैंने बहुत मेहनत से इसकी वीडियो बनाई है और मैं कोशिश करूँगा इस पर ज़्यादा अच्छी एडिटिंग करने की। तो अगर आप इस वीडियो को फनी, अगर आपको ये वीडियो फनी लग रही है अब तक, तो थोड़ा लाइक कर दो और शेयर करो। लेट्स गो गाइस, अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:15 और अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, कुछ 10 मिनट का रास्ता और है, बस जल्दी पहुँच जाए यार, मूवी नहीं छूटनी चाहिए। और हाँ, मैंने बाल कटवा लिए क्योंकि स्कूल फिर से शुरू हो गई है, एग्ज़ाम भी आने वाली है, तो वहाँ पे इतने बड़े बाल नहीं चलते, तो मुझे छोटे करवाने पड़े। लास्ट ब्लॉग में मेरे बाल अच्छे थे। 1 week later, एक सप्ताह बाद। सो हाय गाइस, मैं हूँ एडिटर एम थंडर और मैं ये वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम था कुछ हमारा शो था 12:30 का और हम लोग जब उधर बैठे थे तब हो रहे थे 12:20, लिटरली 10 मिनट थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी, तो हमने पूरा स्पीड रन किया और भागते भागते हम उधर पहुँचे और लिटरली आप खुद ही देख लो। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया, चलो बाय बाय। हाय गाइस, मैं ब्लॉग हम लोग पहुँच गए
को हम लोग एकदम खतरनाक वाली चेयर पे बैठ चुके हैं और अभी ट्रेलर वगैरह दिखे जल्दी पहुंच गए, लेट्स गो। हम लोग भाग सकते हैं लिटरली, बहुत मजा आया। अभी 11:00 लेट्स गो। After watching movie, picture देखने के बाद so guys, movie खत्म हो चुकी है। बीच में इंटरवल नहीं था वरना मैं फ्रूट ले लेता और हम लोग अभी पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुके हुए अगर आएगा तो। और यहाँ पे फोटोग्राफी चालू है। बाहर जाके हम इंटरव्यू लेंगे किसको मूवी कैसी लगी। और मैं कुछ स्पॉइलर तो नहीं दूंगा आप लोगों को, अभी तक तो मिला भी नहीं। बहुत मस्त मूवी थी, एकदम मज़ा आ गया। और ये आईमैक्स का एक्सपीरियंस पहली बार था हम लोग का, बहुत मज़ा आया। मतलब एकदम पूरी कुर्सी हिल रही थी, इधर से धुआं आ रहा था और पूरा मतलब मज़ा, लाइटिंग वगैरह एकदम मस्त था और मज़ा आ गया एकदम थॉर को देखने के, थॉर को देख के। और चलो अभी बाहर मिलते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन मैं नहीं दिखाने वाला, वो आप खुद मूवी देख के देखोगे क्या था पोस्ट क्रेडिट। वैसे इसमें दो है। अच्छा सो हाय गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। सुपर गर्ल, तुम्हें कैसी लगी मूवी? कड़क थी यार, मजा आ गई। आईमैक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मजा आई, बीच बीच में डर भी गई और मैं एक बार गिरने भी वाली थी। ओके मम्मी का हम किधर बैठ के लेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो चलो मेरे को गाइस सुपर गर्ल डोनट लेना ही है। गाइस आई थिंक सब लोगों को ये लेना चाहिए। क्यों? चॉकलेटी दिख रहे। अगर ये ले ले तो डार्क नाइट। ओह डार्क नाइट, इससे ज्यादा चॉकलेट की चीजों का नाम डार्क नाइट ही होता है। ये लेते हैं, ये कूल दिख रहा है। अरे ब्राउन नहीं 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 तो ये कौन सा है, पर्पल? तो नहीं 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 ये वाले दोनों में से एक। ये नहीं गाइस सारे कौन सा ले यार। सो हाय गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग खाने वाले हैं डोनट। पर पर्सन सॉरी, कर लो व्लॉग कर लो। सो गाइस अभी हम लोग डोनट खाने वाले हैं। ये देखो डोनट हमारे, हाँ अभी पार्टी टाइम, तो चलो 2 मिनट का ब्रेक। और मैंने वही किया जो हमेशा करता हूँ, खाने से ज़्यादा गिरा दिया। सो गाइस टी शर्ट की तो बात लगी चुकी थी लेकिन अभी मैं धुका आया, थोड़ा गीला है, सूखने में टाइम लगेगा। और अभी किधर जाना है पता नहीं। चुके मेरी मम्मी आती होगी और ऊपर माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स लगे हुए, पता नहीं क्यों। ये एमरल्ड ब्लॉक है और ये कॉपर ब्लॉक है। सो गाइस अभी हम सबको पूछने वाले कि मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे से। आमर शिंदे मियोनी, मतलब मुझे स्टार्ट करोगे यार, क्या पूरा फ्लो बिगाड़ दिया।
सो गाइस चलो मैं बताता हूँ भाई साहब मैं क्या बोलूँ, एक्सपीरियंस एकदम कड़क था। पहली बार मुझे आईमैक्स में देखने का मौका मिला। मुझे बहुत टाइम से ट्राई मारना था कि आईमैक्स में एक्सपीरियंस कैसा होता है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन मूवी बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 घंटे की थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था और को देख के। और स्टोरी वैसे की वैसे ही थी, इस बार कुछ ज़्यादा मस्त नहीं था। मतलब थॉर रैग्नारॉक जितनी अच्छी तो स्टोरी नहीं थी, लेकिन मूवी में बहुत मज़ा आया। और भाई साहब मतलब क्या बोलूँ मैं, और एंडिंग में बहुत इमोशनल हो गया था, लेकिन मज़ा आया। और बाकी मैं और कोई स्पॉइलर तो दे नहीं सकता। और फिर वो जो 3D में जो गौर का जो कैरेक्टर था वो बहुत मस्त लग रहा था, एकदम खतरनाक। और सिर्फ एक ही टाइम था जब उससे डर लग रहा था, क्योंकि उसे एक साइको टाइप दिखाया गया है। तो उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। एंडिंग में एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन ठीक है। तो चलो अभी हम पूछ रहे कि अभी हम पूछेंगे मेरी मम्मी से। नहीं बहुत अच्छी मूवी थी ये, थॉर की बेस्ट सेकंड मूवी थी। फर्स्ट थॉर रैग्नारॉक थी, उसके अंदर बहुत सही स्टोरी थी और ये भी सही थी। और एंड में तो मैं रोने लग जाती। और एक सीन ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं गिरी गई, मतलब एक्चुअली मैं गिर गई, इतनी तेज तेज फाइट चल रही थी, बहुत कूल। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग फिर चले जाने वाले हैं, लेट्स गो। थोड़े आगे आओ, आगे तो ये कैमरा इस बार हम मकबैंग नहीं करने वाले, इस बार हम डायरेक्ट खाना खाएंगे, लेट्स गो। खाना खा लिया है और यहाँ पे देखो पीछे कौन है, वो तुर्किश आइसक्रीम वाले हैं लोग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत किया। मम्मी टाइम जोन
देखो गाइस, अभी हम लोग मॉल में घूम रहे हैं। देखो मॉल में ऐसा होता है, आना है घूमना है, कुछ नहीं लेना है और चले जाना है, बस बहुत सारी फोटोज लेना है क्योंकि हम इंस्टा पे स्टोरी डाल सके। इंस्टा से है मेरा इंस्टा अकाउंट, ये रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करो यार। मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे ऊपर, तो फॉलो करो और उधर भी देखो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जगह है। सो गाइस, हमने बहुत घूमा, बहुत मज़ा आया और अभी ये एक चीक, बस ये एक चीक, इसके बाद एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली एम फिंडर छींकता ही रहा। उसका मतलब एक हफ्ते तक मुझे सर्दी हो गई और ना ही मैं वीडियो एडिट कर पाया, ना मैं पोस्ट कर पाया, यहाँ तक कि मैं आउटरो भी नहीं कर पाया। घर पे जाते मुझे इतनी छींक आने लगी, मुझे लगा क्या हो रहा है, शायद ऐसे हो रहा होगा, लेकिन नहीं, मुझे सर्दी हो गई थी। और एक हफ्ते के बाद आज जाके वो ख़त्म हुई है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब अगर आपने फर्स्ट डे वीडियो देखी हो तो। सो हाँ, तो उस दिन के बाद मैं आउटरो ही नहीं कर पाया, तो चलो अभी कर लेते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो करना, लाइक चैनल करना, सब्सक्राइब और शेयर में से वीडियो देखने के बाद लिंक घंटी दबाओ। मिलता है आपको अगली वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो मैं पक्का जल्दी डाल दूंगा, मेरे पास एक बहुत मस्त वीडियो का आइडिया है। सो लेट्स गो, बाय बाय। कैसा लगा मेरा मजाक?